हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो वाटर ड्रॉप मोबाइल से फ़ोटो कैसे क्लिक करते हैं एंड इस टाइप को फ़ोटो को कैसे एडिट करना होता है और इस टाइप को फ़ोटो को किस टाइप फ़ोटो में जो डिटेल्स साथने से और जो बैकग्राउंड में जो ब्लर होता है किस टाइप से करना होता है, ये सब चीज़ मोबाइल से। हमें कोई प्रोफेशनल कैमरे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें लेंसेज यूज़ किया है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई है और आइडिया भी शेयर भी किए हैं किस टाइप से आप क्लिक कर सकते हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मतलब मैक्रो जो ड्रॉप क्लिक होते हैं उसमें टिप्स वाली बात यह है, जब हम क्लिक करते हैं फ़ोटो क्लिक करते टाइम पर हमें मतलब फर्स्टली वो तो लेंस क्लीन कर लेनी चाहिए, वो तो कॉमन है। एंड इसके बाद ग्रिड लाइन जो होते हैं लोग तर जिसे भी कहते हैं उसे भी टर्न ऑन कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जब हम क्लिक करते हैं तो जो फोकस का बड़ा इशू होता है, फोकस मेंटेन नहीं कर पाते हम, और जो फोकस हमारा होता है वो हमारे ड्रॉप और कैमरे लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर मेंटेन मैटर करता है कि कितना डिस्टेंस रखें जिससे कि हमारे बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट मतलब बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्लियर एंड डिटेल है साथ में दिखाई दे। सो हमें मतलब अपने जो लेंसेज होते हैं कैमरे लेंसेज उसको इतना क्लोज ले जाए सब्जेक्ट के जिससे हमारी बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और सब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। और उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, आप चेक कर सकते हो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी, देन उसके बाद ही क्लिक कर लेना है। और कभी कभी जब हम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो एक्सपोजर काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा डाउन करके उसके बाद ही क्लिक करें और उसके बाद क्लिक करें। और फिर जब आपने देखा होगा डिटेल शार्पनेस काफ़ी मतलब क्लिक करते हैं तो फर्स्ट क्लिक जो होता है हमारा बेकार ही होता है, हमें 10-15 क्लिक करते रहने चाहिए, मतलब ट्राई करते रहने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से।